गाइस, फिर से आ गए हैं अपने एक नए ब्लॉग के साथ। दिस इज पूजा, दिस इज दीपांजलि एंड दिस इज निशा। हेलो गाइस, हैप्पी महाशिवरात्रि गाइस। अब तो आप लोग हमको भी जानते ही होंगे। हाँ गाइस, अब तो जानते ही होंगे तुम इनको। सो गाइस, हम ना ऑफिस के काम से जा रहे हैं, तो आप भी चलिए हमारे साथ और सरप्राइज है, देखा हम आपको लेके चलते हैं। तो ये तो आपको लोकेशन पर जाके पता चलेगा। लेट्स गो। तो दीपांजलि की वजह से हमारी मेट्रो जा चुकी है। इतनी स्लो चल रही थी मेट्रो, छूट गई। सॉरी, अब 7 मिनट। हमारा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तीनों का। हमारे साथ 2 बंदे और थे गाइस। हाँ, लिफ्ट में 2 बंदे और थे। वो भी लेट हो गई वजह से। और वो इस टाइम वो दोनों घूर घूर के देख रहे हैं इसको। खाएंगे इसको। एक्चुअली फोन में ये मेट्रो कार्ड हमें ढूंढ रही हूँ पर्स में, फिर मेरे को याद आया चलो मेट्रो हो गया। चलो गाइस, फाइनली इसका हो गया, फाइनली इसका हो गया। बट ये सस्पेंस क्या है बताओ, तुम जा कहाँ रहे हैं? अब उनको क्या बताऊंगा, और लोकेशन पे पहुंच के बताते हैं गाइस। राहुल जी वहीं आ जा रहे हैं। हम पहले लाजपत नगर गए, राहुल जी वहाँ थे। हम अभी कारीगरी गए तो राहुल जी वहाँ पे थे, और अब हम यहाँ पर आए हैं तो ये यहाँ पे भी प्रकट हो गए। इनकी डिमांड सब जगह है गाइस, सब जगह। चलिए गाइस, अब अंदर चलते हैं। फ्लाइंग डचमैन। तो गाइस, अभी मैं हूँ फ्लाइंग डचमैन रेस्टोरेंट में। ये है नोएडा सेक्टर 63 में। इट्स बेसिकली अ बार एंड लाउंज। सो पहले गाइस, जिस काम के लिए अभी हम यहाँ पे आए हैं उसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं जो है आपको रेस्टोरेंट का विजिट करवाती हूँ। सो यहाँ गाइस हमारा जो काम है वो हमने करना स्टार्ट कर दिया है, तो जल्दी से इस काम को निपटाते हैं एंड फिर मैं आपको करवाती हूँ रेस्टोरेंट का विजिट। सो फाइनली फ्रेंड्स, वी हैव डन आवर वर्क। तो चलिए गाइस, मैं आपको लेके चलती हूँ एक जहाज पर। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। तो रेस्टोरेंट का नाम है द फ्लाइंग डचमैन। इट्स अ पायरेट थीम रेस्टोरेंट। सो बेसिकली इस जो रेस्टोरेंट का कंसेप्ट है वो ये है कि आपको यहाँ पे जहाज में बिठाया जाएगा एंड जहाज में बैठ के जो है एक आप अच्छे से यहाँ पे डाइनिंग का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है इनका फर्स्ट फ्लोर और ये है इनका बार सेक्शन। सो गाइस, इसका जो लिकर मेन्यू है यहाँ पे आपको जो है रेस्टोरेंट में तो मिल ही जाएगा। अगर आप ऑनलाइन बुक कराते हैं तो आप ऑनलाइन भी इनका जो है बार मेन्यू चेक कर सकते हैं। सो ये है कुछ फर्स्ट फ्लोर का नज़ारा, और जो इस रेस्टोरेंट का जो आप इंटीरियर देख रहे हैं ये टोटली पायरेट थीम पे बेस्ड है। लाइक जो समुद्री लुटेरे होते हैं, लाइक आप एक शिप पे बैठे हुए हैं, तो वही पूरी फीलिंग आती है। एंड फ्रेंड्स, यहीं पे ही ग्राउंड फ्लोर पे इनका एक सेपरेट सेक्शन बना हुआ है, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा रूम है जहाँ पे आप 10 to 11 की गैदरिंग आराम से यहाँ पे कर सकते हैं पार्टी की। तो अगर आपको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, आपका एक पार्टी ग्रुप है, तो आप ये वाला सेक्शन बुक करवा सकते हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं सोफा सेटिंग है। सो यू ऑलरेडी नो वी हैव कम हेयर फॉर सम आर ऑफिस वर्क। सो हम इसी रूम में बैठे थे और हमने यहीं पे ही है जो अपना काम कंप्लीट किया। सो चलिए गाइज, अब मैं लेके चलती हूँ आपको इनके दूसरे सेक्शन यानी कि फर्स्ट फ्लोर की ओर। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख सकते हैं इस रेस्टोरेंट का फर्स्ट फ्लोर जो कि है ओपन एरिया। आप देख सकते हैं ओपन टेरेस एरिया है यहाँ पर, और यहाँ आप देख सकते हैं माइक्रोब्रूअरी सेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रूअरी बनी हुई है जो कि यहाँ पे आपको फ्रेश बियर मिलेगी पीने के लिए, और पीछे लगा हुआ है मेन्यू। तो अगर आपका फ्रेश बियर पीने का मन है तो यहाँ पे ऑप्शंस है, यू कैन डेफिनेटली विजिट हियर। तो गाइज, अगर आप भी बियर लवर हैं सो यू शुड डेफिनेटली विजिट हियर, और यहाँ पे आइए और फ्रेश बियर का मजा लीजिए। और ये है गाइज इनका ओपन टेरेस एरिया यानी कि इनका जो फर्स्ट फ्लोर है, तो यहाँ पे भी जो है एक बार सेक्शन बनाया गया है जो कि काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मेरे हाथ में आ गई है खोपड़ी, और ये किसकी खोपड़ी है गाइज, आई रियली डोंट नो। सो गाइज, ये देखिए, ये जो बार सेक्शन बनाया गया है ये बेसिकली बनाया गया है एक बोट की शेप में, बहुत बड़ी शिप की शेप में बेसिकली। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं पायरेट्स के स्टैचूज हैं।
तो डेकोरेशन गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनका इंटीरियर बहुत ही एपिक एंड लग्जेरियस है। और ये है गाइज इनका स्टेज जहाँ पे लाइव बैंड्स होते हैं। यस गाइज, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे गाइज यहाँ पे होते हैं लाइव बैंड, जो कि होते हैं शाम के 8 बजे से स्टार्ट। तो बेसिकली यहाँ पे जो फन होता है वो रात को 8 बजे से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि जब लाइव बैंड आता है तो एक अलग ही माहौल बनता है गाइज यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये इनका एक पीडीआर सेक्शन है, यहाँ पे भी सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं इन दी ओपन एरिया। तो ये देख सकते हैं सामने गाइज आप, तो यहाँ आने वाली है आपको पूरी फीलिंग कि लाइक आप एक बड़े से जहाज, एक बड़े से क्रूज, एक बड़े सी शिप में बैठे हैं और यहाँ इंजॉय कर रहे हैं आप लाइव एंटरटेनमेंट विद योर फेवरेट ड्रिंक्स एंड फूड। एंड वहाँ आप सामने देख सकते हैं एक इनका एक और टेरेस है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद लेके जाऊंगी। तब तक मैं आपको ये वाला सेक्शन दिखाती हूँ, यहाँ का इंटीरियर दिखाती हूँ। आप देख सकते हो गाइस पूरा जो है मेट्रो स्टेशन बिल्कुल पास में है। सो दिस इज द टेरेस एरिया। सो गाइस अभी क्या है, अभी शाम के 6 बज रहे हैं, ना रश है, या रश स्टार्ट होगा 7 बजे से जब लाइव बैंड स्टार्ट होता है, जब हाँ जब लाइव बैंड आता है तब। एंड मुझे टीचर बन गया हूँ, लास्ट टीचर बन गया हूँ, टीचर बन गया हूँ, टीचर बन गया हूँ, अभी टीचर बन गई है गाइस। नहीं नहीं बन गया हूँ गाइस, ये बन गया हूँ, सॉरी बन गया। आई सो फाइट बाय फाइट क्या है, क्या बात है। सो ओके गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे की गई है ड्राइंग्स जो कि प्योरली बेस्ड है पायरेट थीम्स पे, समुद्री लुटेरे। एंड ये बहुत ही सुंदर एंड ब्यूटीफुल सीनरीज थी गाइस यहाँ पे। यहाँ पे आप जो है फोटोग्राफी भी करवा सकते हैं, वीडियोज भी बना सकते हैं, बहुत ही फोटोजेनिक प्लेस है। और ये है कुछ ऊपर से नज़ारा इनके फर्स्ट फ्लोर का। एंड दिस इज़ दी स्टेज जहाँ पे डीजे प्ले होता है एंड साथ साथ लाइव बैंड्स वाले आते हैं, यहीं पे ही परफॉर्म करते हैं। सो गाइज, अगर आपको यहाँ पे 100 से 150 लोगों की पार्टी करनी है तो ये जो प्लेस है इनफ है। और अब गाइज हो गया है थोड़ा सा पेट पूजा करने का, बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई है इतना सारा काम करने के बाद। तो यहाँ आ गया है गर्मा गर्म वेज पिज़्ज़ा, थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा बेसिकली, और उसी के साथ आए हैं गाइस वेज पनीर क्रिस्पी डिमसम एंड साथ में आई है चॉकलेट स्मूदी एंड इट्स सो डिलीशियस गाइस। अभी चल रही है हमारी पार्टी, हमारा आया है थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा व्हिच इज बेसिकली वेज और डिमसम। गाइस भूख बहुत लग गई थी काम करने के बाद, तो फाइनली जो है हमने स्नैक्स ऑर्डर करे और हम खा रहे हैं। तो गाइज, अगर आप भी नोएडा में कोई अच्छी सी लोकेशन देख रहे हैं तो यहाँ आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं। फ्लाइंग डचमैन नोएडा 63 मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल बगल में है। एंड यहाँ पे बुकिंग करने के लिए गाइज आप जोमेटो, डाइनॉट, इजी डाइनर, नियर बाय यहाँ से भी बुकिंग करा सकते हैं। और उसके अलावा मैं इस रेस्टोरेंट के नंबर अपने जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ, यू कैन डायरेक्टली कॉल देम एंड बुक योर सीट। तो फाइनली गाइज हमारे फेसेस है कि आपको पता चल गया होगा, वी आर सो मच टायर्ड बिकॉज हम ऑफिस के पर्पस से आए थे बेसिकली आउटलेट में। एंड हम घर जा रहे हैं और आप लोगों को तो पता ही है हमारा घर कितना बड़ा है। हाँ, और हम रेगुलरली टायर्ड हो चुके हैं। सो गाइज जल्दी मिलते हैं, मेट्रो का सफर बाकी है, वो तो अब क्या करें, पार्ट ऑफ लाइफ गाइज। सो गाइज जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ, एक नए फन के साथ। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल नेम इज गाइज। प्लीज़ बहुत मेहनत लगती है इस व्लॉग बनाने में, तो प्लीज़ अपने इनपुट्स जो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया करो। एंड जो ये थम्स अप का निशान बना है ना, ये क्लिक करने के लिए होता है, प्लीज़ उस पर क्लिक कर दीजिए गाइज एंड कमेंट करना भी ना भूले। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइज, बाय बाय, शेयर करना भी ना भूले।